नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास का काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि करंट अफेयर्स में क्या है कि पढ़ तो लेते हो, आप भी पढ़ते हो और सभी जगह मैटर वो ही मिलता है। करंट अफेयर की कोई भी पुस्तक ले लो, सभी के अंदर वो ही मैटर है। चाहे आप भी 2 महीने की वो ले लेते हो, ठीक है, या फिर आप 6 महीने वाले ले लेते हो, या आप वार्षिक ले लेते हो, वार्षिक अंक ले लेते हो, अर्धवार्षिक अंक लेते हो, जो भी है, तो मैटर आखिर में वही मिलता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है, आप इस क्लास का इसलिए इंतजार कर रहे थे कि आपको याद करनी है कुछ चीजें, और मुख्य चीजें जो है वो पता चले कि हाईलाइटेड ये है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस क्लास में मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूंगा, और वो आगामी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। तो इसकी जो PDF है साथियों, वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो आप इसके लिए चिंतित न रहें। और धमाकेदार आगाज करते हैं आज अपन इस करंट का। इस करंट की क्लास के बाद में आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बताएगी कि कल भी आपको भैया करंट की क्लासेस चाहिए या रेगुलर जो क्लासेस चल रही थी वही चाहिए। तो खास तौर पे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, और भी जिन एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये समझ लो कि अगस्त महीना इसके बाद में आपके बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं अपन उस पार्ट से जहां से अब प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैसे मैं आपको राष्ट्रमंडल खेलों पे अलग से क्लास देने वाला हूं। एक विचार है देने का कि एक सेपरेट क्लास पूरी अलग से दी जाए, लेकिन मुख्य तथ्य आपके इस क्लास में भी आज पूरे होने वाले हैं। कहीं भी कुछ बाकी रहने वाला अपन कोशिश करेंगे कि बाकी कुछ भी न रहे। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। ठीक है चलिए, सबसे पहले साथियों, इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, ठीक है ना, CWG, आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे। तो भारत ने जो है इस बार 22 गोल्ड लाए हैं। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल में देखो, याद करने के तरीके है ना साथियों, वो आपको इजाद करने पड़ेंगे, क्रिएटिविटी, ठीक है, माइंड को क्रिएटिव। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में हुआ कब? 2022 के अंदर। ध्यान से देखते रहना, आपके दिमाग में सारी चीजें अपफिट होती जाएगी, ठीक है ना, मेरी मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो देखो, 22वें राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? 2022 में, और भारत ने गोल्ड कितने लाए? 22। ठीक है, एक फैक्ट आ गया आपके पास में यहां से। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? दो हजार बाईस और बस से बर्मिंगम इंग्लैंड के अंदर। कहाँ हुआ? बर्मिंगम इंग्लैंड में। इससे पहले 2018 वाले कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में। और इसके बाद 2026 वाले भी होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो 26 वाले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और इससे पहले वाले जो हुए हैं वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए। हालांकि गोल्ड कोस्ट वाले जो हुए ना, उसमें अपना जो भारत का जो स्थान था वो भी अच्छा था, तीसरा स्थान था, और भारत के पदक भी ज्यादा थे। तो वहां से तो यदि देखें तो इस बार के अंदर जो है पदक के अंदर भी कमी हुई, और स्थान भी, एक स्थान गिरा है नीचे, ठीक है। लेकिन अपने आप एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं, देखना, ठीक है। तो एक ये याद रखना कि बर्मिंगम इंग्लैंड के अंदर कब से कब तक हुए? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक 11 दिवसीय ये थे। इसके अंदर देखो साथियों, 72 देशों ने भाग लिया है। यदि फर्स्ट ग्रेड के आप विद्यार्थी हैं तो आप राजनीतिक, मतलब आप जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह पढ़ते हैं, तो इसके अंदर आपने कांग्रेस तो पढ़ी होगी। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन, पहला सम्मेलन था, उसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भी यदि आपने ध्यान दिया है तो 72 थी। तो इसके अंदर जो है 72 देशों ने हिस्सा लिया है। 50-54 टुकड़ों में बांट के, याद रखना, 50-54 खिलाड़ी थे इसके अंदर। 20 खेल थे और 280 स्पर्धाएं थी, ठीक है ना, 280 अलग अलग स्पर्धाएं थी। तो ये थोड़ी सी एक कॉमन जानकारी है। तो यहां पे कोई याद रखने का कोई इतना मतलब है नहीं, ये तो याद हो गया आपको आराम से। 28 से 8, ठीक है ना, 28 से 8, 28 जुलाई से 8 अगस्त, बस से बर्मिंगम, बस से 22 और 22 ही गोल्ड अपने आए हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो स्थान रहा है साथियों, वो चौथा स्थान रहा है इसके अंदर, ठीक है। यदि गोल्ड कोस्ट वाले अपन देखें तो उसके अंदर तीसरा स्थान था भारत को। यहां पे जो है साथियों, गोल्ड मिले 22, 2022 के अंदर कितने गोल्ड मिले हैं? 22, तो आराम से याद हो जाएगा। यदि गोल्ड कोस्ट के अंदर देखें साथियों, तो यहां पे +4 थे, यानी कि वो जो था ना, यहां 2018 मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, 2018 के अंदर साथियों 26 गोल्ड मिले थे। कितने मिले थे? 26। यहां पे भी +4 थे, ठीक है ना, यानी कि यहां पे इनको जो मिले थे रजत जो मिले थे वो 20 मिले थे, ठीक है। और यहां पे जो है -3 था, यानी कि ये भी कितने थे? 20 थे। तो इस तरीके से यहां पे जो मिले थे ना साथियों, वो 66 थे, ठीक
गोल्ड कोस्ट के अंदर पिछली बार से तुलनात्मक पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना पिछली बार 66 थे और इस बार जो है टोटल अपने को मेडल मिले हैं भारत को वो है 61। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना। अब प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक है ना। यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप लोगों के लिए मतलब काफी सारी चीजें याद करने के लिए अच्छी हो जाएगी। हालांकि इन गेम्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इन गेम्स पे क्या अपने मेडल कम आने के पीछे कारण भी ये है कि लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं। एक बात ऐसे याद रखना, वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने जीते। तो ऑस्ट्रेलिया के मतलब प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक है ना, 178 मेडल के साथ में। द्वितीय स्थान पे इंग्लैंड रहा है 176 मेडल के साथ में। और तृतीय स्थान पे रहा है आपके कनाडा, ठीक है ना, 92 मेडल के साथ में। सामान्य जानकारी है। इसके अलावा और कॉमनवेल्थ के अंदर, राष्ट्रीय गेम्स के अंदर, राष्ट्रमंडल गेम्स के अंदर और भी जानकारी यहां। 1930 से शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेल और उसके बाद से निरंतर 1934 में भारत हिस्सा बना था इसका पहली बार। तो भारतीय दल जो है साथियों ध्यान देना, ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। भारतीय दल जो है 322 सदस्य था लेकिन खिलाड़ी 322 नहीं थे। मतलब देखो साथ में टीममेट्स होते हैं सारे, तो कोच वगैरह सब मिला के 322 सदस्य था लेकिन खिलाड़ियों की संख्या थी 215, ठीक है। तो भारतीय दल पूरा यदि पूछा जाए तो 322 सदस्य था लेकिन इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 215 थी, ठीक है ना। भारतीय दल के प्रमुख यानी कि भंडारो किन पाड़े, ठीक है, भारतीय प्रमुख किन गए? हम देखो बादरवो चाल रही हो, ठीक है, बादरवे में जातरु, रामदेव जी के जातरु बहुत जाते हैं, ठीक है, और जगह जगह भंडारे होते हैं, ठीक है, जातरु बहुत जाते हैं, जगह जगह भंडारे होते हैं। भंडारा कौन कराएगा? जिसके भंडार भरे होंगे, यानी कि प्रमुख है वो, ठीक है। यहां पे आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय दल के प्रमुख जो है वो राजेश भंडारी है। भंडारी यानी भंडार भरे हुए, यानी कि वो प्रमुख है, ठीक है। तो भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? राजेश भंडारी। राजेश भंडारी कौन है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष थे वो। यहां पे क्या है, भंडारी याद रख लेना, आपको याद रह जाएगा, ठीक है, राजेश भंडारी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं साथियों आप लोगों की ये क्लास देने का उद्देश्य जो है उसको मैं साबित करूं कि विद्यार्थियों को याद हो जाए। जब भी प्रश्न वहां छपे ना तो जब प्रश्न पत्र के अंदर पढ़ो तो मतलब सीधी आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, विद्यार्थी कहां कहां लोड लेगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आप लोगों के दिमाग में छप जाए। तो यूं है कि शेयर करनी चाहो ना क्लास तो किन परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परमिशन के चक्कर में लेट हो जाया करो, डायरेक्ट ही ठोक दिया करो, ठीक है। चलिए उद्घाटन, ये पूछे जाते हैं प्रश्न कि ध्वजवाहक कौन थे। अब उद्घाटन और समापन दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है, कि उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे और समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन में जो ध्वजवाहक है साथियों बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। यदि आप यहां पे देख पा रहे हो तो आप तो है मनप्रीत सिंह और आप है पीवी सिंधु और भारतीय ध्वज इनके हाथ में है और ये भारतीय ध्वजवाहक जो है उद्घाटन के समय, यहां पे ध्यान देना उद्घाटन के समय। अब समापन के समय, समापन के समय जो ध्वजवाहक थे वो बॉक्सर निखित जरीन और अचंता शरद कमल, ठीक है ना, 40 वर्षीय अचंता शरद कमल जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे भारत की तरफ से, ठीक है, और इन्होंने 4 मेडल जीते हैं 3 गोल्ड के साथ में। तो 4 मेडल जीतने वाले ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है अचंता शरद कमल। यहां पे ये देख पा रहे हो आप अचंता शरद कमल और निखित जरीन, ये समापन के समय में इनके ध्वजवाहक थे अपने इंडिया की तरफ से, तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। चलिए अगले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया में पूछे तो ध्यान रखना विक्टोरिया, ठीक है ना, होगा कब? 2026 के अंदर होगा, ठीक, पिछले भी हुए गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगले भी होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना। पिछला राष्ट्रमंडल खेल आयोजन कहां हुआ? 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, भारत में हुआ था 2010 के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो राष्ट्रमंडल से संबंधित मेरी कोशिश मैंने की है कि जितना मुख्य मुख्य चीजें जो आपको याद करनी चाहिए वो साथियों आपको मैं याद करा दूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, करंट के अंदर आपको आज बहुत सारे तथ्य मिलने वाले हैं, आपने इंतजार किया है तो उस हिसाब से मैंने भी समय दिया है इस क्लास के लिए, तो उस हिसाब से साबित भी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश साथियों यहां पे ध्यान देना, आज ही के दिन, आज तारीख है 27 अगस्त, देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अब वर्तमान में यानी कि 27 अगस्त
2022 जिस दिन आप ये क्लास देख रहे हो 27 अगस्त 2022 को उदय उमेश ललित अब 49वें सीजीआई, ठीक है ना, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया, एनवी रमणा का, यानी कि आज ही के दिन इन्होंने शपथ ली। जब आप क्लास देख रहे हो, यदि इससे पहले मैं देता तो ये कहता कि ये होंगे, या इसके बाद लेता हूं तो ये कहता कि ये हुए, ठीक है ना, आज ही के दिन इन्होंने शपथ ली है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है, उदय उमेश ललित, यू यू ललित कह दो, या फिर आपको याद रखना है यो यो ललित, मतलब याद करने के उद्देश्य से, ठीक है ना, कोई अन्यथा कौन ले, मतलब याद मैं आपको करवाऊंगा इस क्लास में, ये है। तो यू यू ललित आपके जो है वो उदय उमेश ललित जो है अब सीजीआई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देखो अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश की, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे साथियों हीरालाल जे कानिया थे। सर्वाधिक कार्यकाल तक यदि कोई रहे तो वाईवी चंद्रचूड़ रहे, और न्यूनतम कार्यकाल के लिए रहे हैं के एन सिंह, ठीक है ना। ये सामान्य जानकारी, थोड़ी सी आप मुख्य न्यायाधीश पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है ना। एग्जामिनर की दृष्टि, जो गिद्ध की नजरें होती है, वो लेटेस्ट प्रश्नों पर रहती है, ध्यान देना। यदि आएगा तो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में, यह भी लेटेस्ट प्रश्न है और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगदीप धनखड़। और अपन राजस्थानियों के लिए तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो अपने भैरव सिंह जी शेखावत बने थे, और एक उनके बाद अब जगदीप धनखड़ जी बने, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आप जो है साथियों राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। और ध्यान रखना, राजस्थान के झुंझुनू में भी पूछे तो चिड़ावा, और चिड़ावा के अंदर भी यदि पूछे तो किठाना गांव, ठीक है, किठाना गांव से। यानी कि अब यदि देखा जाए संसद के दोनों सदनों का नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थानी, राजस्थानी दोनों सदनों का नेतृत्व, ओम बिरला कोटा बूंदी के है ही लोकसभा के, और अब जो है राज्यसभा के पदेन सदस्य पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, तो ये अब वहां पे है। तो यानी कि दोनों सदन अब राजस्थानियों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, राजस्थानियों के लिए एक एक गर्व की बात है, ठीक है ना। इनके सामने जो साथियों विपक्षी दावेदार जो थे, मार्गरेट अलवा थे, जो पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं अपने, राजस्थानी महिला राज्यपाल है ना, 346 मतों से धनखड़ विजयी रहे। यानी कि पिछले 6 चुनाव देखा जाए, पिछले 6 चुनाव में ये सबसे बड़ी जीत है इनकी, 346 मतों से विजयी रहे। वर्तमान में दोनों सदनों का नेतृत्व राजस्थानियों के पास में है, ठीक है, तो ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा दोनों। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अलवा, राजस्थान के राज्यपाल की यदि बात की जाए तो ये कंफर्म कर लेना भैया, मैंने काफी समय हो गया इस चीज को पढ़े, तो आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं इस मामले में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, हालांकि मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली। अब एनडीए से हाल ही में अलग होकर इन्होंने क्या किया, जदयू ने, और इन्होंने अपने कांग्रेस के साथ में इन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ में इन्होंने क्या कर दिया, गठबंधन, महागठबंधन बना के और अपना दावा पेश किया। तो इसके रूप में जो है साथियों इन्होंने सीएम के रूप में 8वीं बार शपथ ली है। कितनी बार शपथ ली है, 8वीं बार, ठीक है ना। और आरजेडी के तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और इन्होंने जो लिया साथियों वो दूसरी बार ली है, ठीक है, दूसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल है जो लेटेस्ट की दृष्टि से देखे जाए तो ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने में राजस्थान का स्थान वर्तमान में साथियों प्रथम पे आ चुका है। अब आधार कार्ड लिंकिंग के मामले में आप लोग सभी ध्यान देना, यदि वोटर है तो, क्योंकि मैं तो बीएलओ काम कर ही रहा हूं तो मुझे तो ध्यान है अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस के अलावा और बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। तो बीएलओ के द्वारा गरुड़ा ऐप, ठीक है ना, बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के द्वारा गरुड़ा ऐप के माध्यम से ये लिंक करने के, यानी ये आपके लिए आसान हो जाएगा, बीएलओ को देंगे तो बीएलओ जो है गरुड़ा ऐप के माध्यम से 6B फॉर्म भरता है, ठीक है ना, 6B फॉर्म भरा जाता है और उसमें आधार लिंकिंग आपकी की जाती है। ये अब आधार लिंकिंग का कार्य चल रहा है वोटर आईडी से आधार लिंकिंग का। इसके अलावा यदि आप ऐसे नहीं करके डायरेक्ट भी यदि कोई करना चाहता तो एनवीएसपी पोर्टल से डायरेक्ट किया जा सकता है। तो ये थोड़े से आपको ध्यान देने लायक चीजें हैं, ठीक है ना, ये प्रश्न थोड़े से ध्यान रखना। अब देखो
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान FSSAI के द्वारा राजस्थान के किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन की का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे यदि अपने याद नहीं आता है ना, जैसे कोई भी चीज के राजस्थान का कौन सा होगा, तो राजधानी तो याद रख ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है साथियों किसको दिया गया है, जयपुर स्टेशन को, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनके मानक बनाए गए थे, इसके अनुसार 5 स्टार रेटिंग दी गई थी और इसी हिसाब से इनको ईट राइट सर्टिफिकेट दिया गया। अपने जयपुर याद रखना है राजस्थान का, ठीक है ना, राजधानी को भूल नहीं सकते, राजधानी को याद रखना है। चलिए अब देखो साथियों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली यूपी वाला और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार ने मिलकर लंपी, जो अभी एक मतलब दुधारू पशुओं के लिए भयंकर स्किन डिजीज है, लंपी स्किन डिजीज LSD, अपने एक वीडियो भी बनाया था इससे संबंधित जागरूकता के लिए। तो लंपी स्किन डिजीज यानी कि ज्यादातर तो गायों में देखने को मिला है, लेकिन दुधारू पशु यानी कि भैंसों में भी है, वन्य जीव हिरणों में भी ये बहुत देखने को मिल रहा है। तो इसे इसके लिए यानी इसके रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सी वैक्सीन बनाई गई। 10 अगस्त को इस वैक्सीन की लॉन्चिंग की गई है। तो याद कैसे रखोगे, इस वैक्सीन का नाम देखो किस बीमारी के लिए है, लंपी के लिए है, लंपी है ये, ठीक है ना, लंबी लिख दिया मैंने, लंपी बीमारी के लिए है, ठीक है। और लंपी से बीमारी को से बचाने के लिए यानी कि प्रो लेवल की है, ठीक है ना। तो लंपी प्रो है क्या, वैक्सीन है, वैक्सीन इतना लंबो लिख रही है, जगह ही कौन आता, तो अपना लिखता वैक, ठीक है, लंपी प्रो वैक इंड, ठीक है ना। अब इंड आप भले ऐसे लिख लेना, और यही साथियों नाम है इस वैक्सीन का, लंपी प्रो वैक इंड नाम की वैक्सीन बनाई गई है, और ये आपको याद हो गई है, ठीक है ना। नरेंद्र सिंह जी तोमर जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, उनके द्वारा 10 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग की गई है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एक आप लोगों के लिए है, और मैंने ये कोशिश की है कि आपको याद करवा दिया, लंपी प्रो वैक इंड, ठीक है, अभी गलत हो गया ना तो बजे खैर कौन है। विश्व जैव ईंधन दिवस, तो जब इसको लॉन्च किया वही दिन है 10 अगस्त, ठीक है ना, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए साथियों, फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए GGD यानी कि गौरव ज्ञान धारा प्लेटफॉर्म बहुत शानदार और बहुत जानदार गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज लेके आया है। उसमें क्या है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है साथियों, जिसके अंदर यदि देखो कि इतिहास, कला, संस्कृति, भारत और राजस्थान के संबंध में पूरी, ऐसा नहीं कि 3-4 टॉपिक को मिलाकर, एक एक टॉपिक पर पूर्ण अभ्यास, सारे प्रश्न जितने बनते हैं उन पे अभ्यास करवाने की कोशिश की है। तो ये मात्र लागत मूल्य के अंदर, यानी कि पहले 79 थी इसकी प्राइस, वो भी लागत मूल्य, लेकिन उसको भी कम करके कि विद्यार्थी अपना अभ्यास कर ले, और जैसे उनको मतलब भारी भरकम 1000-1500 रुपए की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी पड़े, आखिर में चीजें वही है सभी जगह, तो वो अपना अभ्यास कर सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है अपने भारतीय राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, ये भी 55, GST अलग से है, क्योंकि GST वो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है GST का इस पे। और शैक्षिक प्रबंधन की 7 पुस्तकों का निचोड़, और मात्र कितने में, 41 के अंदर, और ये बेस्ट से बेस्ट साबित होगी। तो ये आपको मिल जाएगी साथियों, गौरव ज्ञान धारा नाम से ऐप है, अपना प्ले स्टोर से देख लेना, जो भी इच्छुक विद्यार्थी है जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और वास्तविक अभ्यास करना चाहते हैं कि हाँ सर हमें तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन अब आकलन करने का समय है कि हमारी तैयारी कैसी है, तो वो अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इसमें काफी सारे नए प्रश्न और काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन करके अपना अभ्यास जारी रख सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2021-22, ठीक है, 2021-22 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए, कौन, मनीषा कल्याण, तो महिला वर्ग में महिला के रूप में, ठीक है ना, और पुरुष के रूप में आपके कौन हो गए, सुनील छेत्री। अब याद कैसे रखोगे कि मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री है, आपको ध्यान है अभी एक एड बहुत चल रही है, भाई विनोद देख रहा है क्या हो रहा है, विनोद देख रहा है क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने भी इसको लिंक करते हैं, भाई विनोद देख रहा है फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा और सुनील, और आपको याद रहेगा ये, अरे क्या मनीषा और सुनील, अरे अपना मनीषा और सुनील, सभी जगह मनीषा और सुनील नाम के मिलते हैं, तो अपन को याद तो इनको करना है, मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को याद करना है, लेकिन मनीषा और सुनील बने हैं बस ऐसे याद रखो,
तो ये आपके दिमाग में फिट बैठेगी चीज कि हाँ सर इसे तो वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब ये तो हमारे दिमाग में चिपक गई है। अब मनीषा और सुनील देख रहा है विनोद, मनीषा और सुनील ठीक है ना। चलिए राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से साथियों 19 अगस्त 2022 को किसे राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? यहां पे आप याद रखोगे किसे दिया गया है, गगन खोड़ा को, ठीक है ना। किसको दिया गया है? गगन खोड़ा को, यहां पे ये याद रखना ठीक है ना। और गगन खोड़ा जो है बीसीसीआई के सीनियर चयन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर ने 9 अगस्त 2022 को किस स्थल को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? ये किया है साथियों आपने इसमें पादांग को, और इसी पादांग से एससी बॉस ठीक है सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा दिया था। क्या? चलो दिल्ली का नारा दिया था, उनसे जुड़ा हुआ है ठीक है ना, ध्यान रखना। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर की पहली महानिदेशक नियुक्त की गई, नल्ला थंबी ठीक है ना, यहां पे नाम याद रखना आप, नल्ला थंबी, और पूछा ये जाएगा इसलिए मैंने बाद में लिखा है नल्ला थंबी कलाई सेल्वी ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्तमान के हिसाब से, नल्ला थंबी कलाई सेल्वी जो है इनको किया गया ठीक है ना। सीएसआईआर भारतीय राजनेता जिन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेलियर दे ला लीजियन डी होनू, नाम भी देखो फ्रांसीसियों के, अपने को तो क्या है बोलने अपार के जबान दोरी बड़ा है थोड़ी ठीक है। शेवलियर डे ला लीजियन डी ऑन्यूर, यदि इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो मेरे को खुद को पढ़ने में छिके आती है, इसलिए मैंने हिंदी में ही लिखा कि दैनी मेड़दा ठीक है ना। तो इसमें साथियों आपको याद रखना है, इसमें रखा गया है शशि थरूर ठीक है ना, और शशि थरूर आपको पता है लेखन में भाषण में सभी में कितने अग्रणी रहते हैं, तो शशि थरूर को यह सम्मान दिया गया फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ठीक है। भारत व अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो बकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ, सबसे पहले तो ध्यान देना यह 13वां संस्करण है, 13वां संस्करण है ठीक है। इसका नाम जो है साथियों वो याद रखना वज्र प्रहार, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं सैन्य अभ्यास दो देशों के बीच में होते हैं, या तो देश पूछ लिए जाते हैं या फिर इनका नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना वज्र प्रहार नाम है और 13वां संस्करण है ये ठीक है ना। चलिए 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, या यूं भी पूछ सकते हैं कि हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है ठीक है। इसके अंदर एक शब्द आया है हथ, हथ यानी हाथ ठीक है ना, सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, हाथ फेरा खावे ना राजस्थानियों में, देखो राजस्थानी भाषा में जल्दी समझ में आ जाएगा ठीक है ना। हाथ फेरा खावे जने पंडित जी जोर आवाज लगावे के मामा मासी कौन काशी होता हुए तो जाग जे जो हथ ले वो छूटे, यानी कि हथ ले वो यानी कि हस्त मिलाप ठीक है ना। और उसके बाद में जब हथलेवा बोलते हैं अपने देसी बोलचाल की भाषा में हथलेवा, तो हथलेवा सात फेरों के सातों वचन ठीक है ना, हथलेवा उससे संबंधित है। यहाँ पे सात 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 इसलिए मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि हथ आया है, हाथ आया ध्यान रखना 7 अगस्त है इसका ठीक है ना, 7 अगस्त ठीक है, 7 अगस्त 2022 को ये मनाया गया है ठीक है। 5 अगस्त 2022 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किसे हराकर अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता भारत ने ठीक है ना, तो ये हराया है साथियों याद रखना बांग्लादेश को ठीक है, बांग्लादेश को हराया है और बांग्लादेश को 5-2 से हराया है, 5-2 से हराया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट ही शामिल किए हैं, बिना इंपॉर्टेंट आपने शामिल ही नहीं किए। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई है, सुरेश एन पटेल, और ये वर्तमान सीबीसी के, क्योंकि सीबीसी तो देखो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हो तो राष्ट्रीय आयोग आपके उसमें है, तो राष्ट्रीय आयोग के अंदर है तो सीबीसी के अंदर तो ये आपको याद रखना है ठीक है ना। तो ये जो है साथियों सीबीसी, यदि देखा जाए तो सीबीसी संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी का गठन किया गया था, और विधिक दर्जा जो है 2003 में मिला है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है या तो 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए ठीक है, जो भी पहले पूरा, पहले 65 वर्ष के हो गए तो पहले रिटायर्ड होना है, पहले 4 वर्ष आपके पूरे हो गए तो पहले रिटायर्ड 4 वर्ष में हो जाना है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है साथ में ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे के उपाध्यक्ष पर नियुक्त हुए, अब देखो मेरे दिमाग में एक ही खिलाड़ी दिमाग में बार बार आता है शतरंज का, यदि नाम ले ले
तो या तो मतलब पहले नंबर पे तो आते हैं विश्वनाथन जी आनंद, क्योंकि मतलब विश्वनाथन जी आनंद के मैंने कई गेम देखे, मतलब चलते चलते उनके दिमाग में पता नहीं कितनी बाजियां चलती है, और शतरंज की बाजी, मैं खुद भी शतरंज का खिलाड़ी रहा हूँ स्कूल टाइम के अंदर, इसलिए मतलब शतरंज की बाजी दो दो घंटे लग जाते हैं गेम, और वो जो अगला खिलाड़ी वो सोच कर खेलता है विश्वनाथन आनंद जी, चलते चलते गोटी रख के जाते हैं और सभी हार जाते हैं, बोलो कितना कितना कातिल दिमाग। तो विश्वनाथन आनंद जी को इसलिए इतना बताया क्योंकि उत्तर भी आपको याद रखना है विश्वनाथन आनंद है, जबकि इनके अध्यक्ष जो है साथियों वो आर्कडी वोरकोविच है, ठीक है ना। और शतरंज खिलाड़ी एक जो क्रिकेटर बने हैं वो भी है यूजी युजवेंद्र चहल, तभी तो कमेंटेटर आकाश चोपड़ा की कमेंट्री चलती है उसके अंदर, तो उसमें कमेंट्री में वो यही मतलब बताते हैं बार बार कि ये शतरंज के खिलाड़ी अब कोई ना कोई बॉल ऐसी शतरंज की चाल चलेंगे जिसके अंदर बैट्समैन फंसेगा वगैरह वगैरह। तो वहां पे जो है ये भी भाई टीवी भी देखो तो ध्यान से देखना, कई बार है ना एडवर्टाइजमेंट आती है ना उसमें भी काफी सारी चीजें याद हो जाती है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर निर्मा, हालांकि आ ऐड में आवे भी कौन आवती, मतलब बचपन की यादें, अब कहीं सुनाई दे जाए तो बचपन की यादें आ जाती है। चलिए साथियों पेन सिलेक्ट करना भूल जाता हूं मैं बार बार। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? देखो सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, और सात समंदर पार टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा जी भाला ठोक के आए थे और गोल्ड लेकर आए थे, तो सात वापस सात सात सात, तो सात अगस्त, ठीक है ना, टोक्यो ओलंपिक के सम्मान में गोल्ड मेडल लेके आए उनके सम्मान में ही ये मनाया जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। 13 अगस्त 2022 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 नम भूमि यानी आर्द्र भूमि, कहते नम भूमि एक ही बात है, नम भूमि जोड़ने पर वर्तमान में कुल स्थल कितने हो गए? तो पहले तो देखो साथियों 64 + 11 यानी कि अब वर्तमान में हो गए आपके 75, ठीक है ना, 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाते थे, 75 स्थल हो चुके हैं। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये यदि पढ़े नहीं है और डायरेक्ट किसी को पूछोगे तो उनकी बकरी निश्चित रूप से डिब्बे में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है साथियों आपको याद रखना है 1 अगस्त, ठीक है ना, तीन तलाक बिल जो था ना, तीन तलाक बिल की पृष्ठभूमि में ही, तीन तलाक बिल जो लाया गया उसकी पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ पे ये 1 अगस्त को ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए साथियों, किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव कार्यक्रम मनाया गया? देखो तिरंगे की यदि बात करते हैं तो मेरे मतलब 7-8 साल पहले जब भी तिरंगा दिमाग में आता है, और मैंने एक प्रश्न ऐसा याद किया कि तिरंगा याद आए और मुझे उन व्यक्ति महान व्यक्ति का नाम याद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, और उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है जिन्होंने तिरंगे की डिजाइन तैयार की, पिंगली वेंकैया, ठीक है। तो ये जो उत्सव है ये भी उनको ही समर्पित था, ठीक है ना, याद रखना पिंगली वेंकैया ने ही डिजाइन बनाई थी ये, पिंगली वेंकैया, ठीक है। श्रीमद रामचंद्र मिशन का संबंध रहा है किससे रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको स्थान बता दूं, धर्मपुर से रहा है, धर्मपुर जो है वलसाड़ जिले के अंदर है, और वलसाड़ जो है वो गुजरात के अंदर है, ठीक है, और गुजरात में जो है साथियों 4 अगस्त कब, 4 अगस्त 2022 को मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई और बहुत सारी परियोजनाओं की इसमें शुरुआत की गई है, ठीक है। एक्स विनवैक्स 2022 किन देशों के मध्य सैनिक अभ्यास? मैंने कहा ना सैनिक अभ्यास जब आता है याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने यहाँ पे हर प्रश्न के अंदर आपको कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसी को शामिल किया। आप जब अपना इतना बेशकीमती समय निकालकर इस क्लास का इतना इंतजार कर रहे थे और ये क्लास देख रहे हो, तो यानी कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ना दी जाए तो फिर क्या दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना साथियों कि ये जो हुआ है, भारत तो है, यदि भारत नहीं होता तो अपन पढ़ते क्यों, अपने देश का ही नाम नहीं अंदर तो अपन क्यों पढ़ते। तो भारत के साथ में यहां से वी से याद रखना वियतनाम, वियतनाम, ठीक है ना। वियतनाम में जो स्थानांतरित कृषि होती है वो रे काजू उत्पादन के अंदर अग्रणी देश है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये चीज। चलिए साथियों तो ये मतलब काफी सारी चीजें आप लोग, अरे क्लास के अंतिम स्लाइड अभी पता ही नहीं चला, मैंने सोचा आगे और स्लाइडें होंगी लेकिन स्लाइडें हैं नहीं, और इतनी सारी यानी कि अगस्त जो धुआं धुआं आपको कहा था वो धुआं धुआं यही है, और इतनी सारी याद रह जाती है। फिर आप डिस्कशन करके देखो किसी का, मतलब जो आप लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा में है उनके साथ में डिस्कशन करके देखो, मतलब तबियत तर हो जाएगी आपको। ये चीजें जो है साथियों एक से दूसरी बार भी यदि क्लास देख ली, हालांकि एक बार में ही याद हो जाएगा,
लेकिन एक से दूसरी बार भी देख ली तो अपनी 12-25 होने ही वाली है। और अब जो आप देख रहे हो साथियों, ये आप लोगों की सबसे पसंदीदा जीजीडी वन लाइनर, जो फर्स्ट ग्रेड जीके और जीके के मोस्ट ऑफ पार्ट यानी कि इतिहास, कला, संस्कृति, जिसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी ऑथेंटिक पुस्तकें, लेकिन उसमें वहां पे मतलब संदर्भित जो पुस्तकें होती है उसमें पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन उसमें क्या समस्या ये रहती है, हालांकि सबसे बेस्ट है वो, लेकिन उसमें ये होता है कि अपन उनको फिर बाद में याद कैसे रखें कि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये जो है आप लोगों के लिए वो बूस्टर है जो आपको सीधे सीधे, और प्रश्न तो आपको जीजीडी वन लाइनर का पता ही है कि रीट वगैरह में जितने भी एग्जाम हुए हैं तो सभी जगह धमाके किए हैं। तो इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भारत, राजस्थान, भारतीय राज व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल और पूरे राजस्थान के अंदर सभी बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे है, ऑनलाइन बुक सेलिंग जो भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी पुस्तक विक्रेता मित्र हैं उन सभी के साइट पर सभी जगह उपलब्ध है। तो ये जो है आप लोगों के लिए मतलब रिविजन के लिए बेस्ट बूस्टर आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। मान लीजिए कोई कोचिंग संस्था भारी भरकम ज्वाइन करते हैं, उनके बाद भी उनके पास में वो नोट्स का संकलन नहीं हो पाता जो इसमें मिलने वाला है आपको। तो इस पे वैसे भी आप लोगों का बहुत प्रेम देखने को मिला है पिछले 4-5 दिनों में। तो वापस जो जिन्हें पता नहीं था, फिर बाद में पता चलता है जब क्वेश्चन बनते हैं तब बताते ना कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि ये चीज भी आपने दी थी। तो ये चीज जो है साथियों मार्केट में आ चुकी है और धमाकेदार प्रेम भी देखने को मिला है। तो ऐसे ही प्रेम और सहयोग बना के रखें। और करंट वाली क्लास अब आगे और चाहिए आपको या नहीं चाहिए, या ये क्लास कैसी थी, आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे या सुधार की आवश्यकता है, जो भी है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोगों की इच्छा सर आंखों पे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।